अभी मैं जा रहा हूँ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाने और वो CMR में, और वहाँ पे हमारा पहला रजिस्ट्रेशन हो चुका था जो कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। अभी सेकंड रजिस्ट्रेशन है जिसमें कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा जैसे कि आपके 10th से लेके MBBS तक जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सारा लगेगा, जैसे 10th 12th वीज़ा पासपोर्ट देन योर MBBS डिग्री, FMG में जो लगा था वो वाला FMG पासिंग सर्टिफिकेट, और जो दिल्ली से आपको मिला था स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट वो सब लगेगा, देन पोस्टा हिल जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सब लेके आएगा, आधार कार्ड ये सब। और क्या क्या होगा मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। शाली भवन ब्लॉक नंबर A1 है, और यहाँ पे 4th फ्लोर पे आप देखिए यहाँ पे लिखा है ओडिशा काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे हमें जाना है 4th फ्लोर। लेट्स गो। शाली भवन चुका हूँ अभी, और 4th फ्लोर पे है, जितना डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वहाँ पे क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ पहले से क्या होता है, मैं वैसे वीडियोस बना चुका हूँ अलग अलग, प्रोसेस पूरा टोटल प्रोसेस बताया हूँ अच्छे से, लेकिन एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आता है और ये कॉमेंट सेक्शन में भी आ सकता है। तो पहले दिल्ली से आपको आपका पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके बाद आपको उड़ीसा में यानी जो भी स्टेट में आप कर रहे हैं वहाँ पे जाना पड़ेगा आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए जो जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सब लेके जाना है, फिजिकल वेरिफिकेशन वहाँ पे करवाना है। देन आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपके कॉलेज के लिए या जहाँ पे आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वो ऑनलाइन पहले आता है, वो आपको पता चल जाएगा आपका आपके मेल के द्वारा या तो आपके स्टेट काउंसिल के द्वारा। इसके बाद आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाना है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको एक बार ऑनलाइन में अप्लाई करना है, इसके बाद आपको बुलाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, उड़ीसा में तो यही होता है। आप फिजिकल वेरिफिकेशन ये हो चुका था, अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था, वहाँ पे कुछ नहीं बस बैठना है, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जो मैं आपको वीडियो में बीच में दिखाया हूँ, और वहाँ पे फिलअप करना है आपके कॉलेज का नाम ये सब वो सब वीज़ा डेट्स ये सब, और आपको एक पेपर दिया जाएगा आपका अराइवल एंड डिपार्चर लिखना है, दिल्ली में कब आप आए थे कब आप गए हैं, और वहाँ पे काउंट किया जाएगा कि कितने महीने का आपके पास आपका ऑनलाइन हुआ है, यानी कि कोविड के कारण या वार के कारण कितना महीना आपका ऑनलाइन हुआ है, उसके हिसाब से आपको 1 ईयर होगा 2 ईयर होगा वो बताया जाएगा। अभी अगर बताऊं तो 1 ईयर या 2 ईयर कुछ कंफर्म नहीं हुआ है ऑफिशियली, लेकिन ज़्यादातर 2 ईयर की बात सुनने को मिल रहा है, लेकिन 1 ईयर अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और काउंसिल इसके ऊपर कंसिडर कर रहा है शायद तक, और अगर 1 ईयर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देन आप ये होने के बाद फिर कुछ दिन के बाद आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो आप वेरिफिकेशन करवाए हैं वो आपके वेबसाइट पे आपको अप्रूव्ड दिखाएगा, अभी अंडर प्रोसेस दिखा रहा होता है, अप्रूव्ड दिखाएगा। अप्रूव होने के बाद काउंसलिंग के लिए आपको जाना होता है, काउंसलिंग के लिए आपको एक दिन दिया जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और लगभग 7 काउंसलर होंगे जो आपको काउंसिल करेंगे, और आपको कौन सा सीट चाहिए वो वहाँ पे डिसाइड होगा। तो काउंसलिंग वाला जो वीडियो होगा मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे अच्छे से बताऊँगा, और अभी के लिए होप करता हूँ आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा इसके ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।